सो हाय गाइस, आदर्श हियर। बोर्ड एग्जामिनेशंस यार स्टार्ट हो चुकी है और कुछ ही पल बाद आप लोगों की इंग्लिश की भी एग्जामिनेशंस होने वाली है। कई सारे बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे, कहीं ना कहीं कुछ बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रखी होगी, कुछ बच्चों की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हुई होगी। तो आज मैं आप लोगों को जितने भी चीज़ आप लोगों ने एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, फिर वो चाहे राइटिंग सेशन हो, फिर वो चाहे रीडिंग सेक्शन हो, फ्लेमिंगो या समरी हो, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, वो सारी चीज़ें की PDF मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, वहां से जाके आप लोग आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यार कि किस तरीके की आप लोगों की एग्जामिनेशन पैटर्न होगी, और एग्जामिनेशन क्योंकि हम लोगों का कुछ दिन के बाद ही है, कुछ क्षण के बाद ही होने वाला है आप लोगों की परीक्षा, तो किस तरीके से आप लोग एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों का यार इंग्लिश का पेपर बेसिकली 3 सेक्शन में होता है। रीडिंग सेक्शन होती है उसमें हमारी, राइटिंग सेक्शन होती है उसमें हमारी, और तीसरा हमारा लिटरेचर सेक्शन होता है। तो आज से अगर आप दो या तीन या चार साल पहले अगर आप पुराने इंग्लिश के पेपर को अगर आप देखेंगे उठा के, तो वहाँ क्वेश्चन सर रिलेटिवली आज के हिसाब से थोड़ी सी आसान पूछी जाती थी। अब क्वेश्चन सर काफ़ी दिनों से एक ही चैप्टर से, वही कुछ चैप्टर से जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुके हैं। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर वो चाहे आप रीडिंग सेक्शन ले लो, या फिर आप राइटिंग सेक्शन ले लो, लिटरेचर सेक्शन जो है उसे ले ले, इन तीनों ही सेक्शन में देखेंगे कि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पहले से थोड़े से ट्विस्टेड आते हैं। देखो लिटरेचर सेक्शन ऐसा है जिसका कहीं ना कहीं यार आप लोगों को पहले से अंदाजा होता है, ठीक है, आपने विस्टास पढ़ लिया है, आपने फ्लेमिंगो पढ़ लिया है, कहीं ना कहीं आपको चैप्टर की समरी पता होगी, कई सारे बच्चों को इसके इन डेप्थ उन्होंने चैप्टर रीड किया होगा, या फिर कहीं ना कहीं वो वीडियो देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो समरी की PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जब आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो अगर आप सेक्शन सी की बात करें तो उनमें कहीं ना कहीं जो भी क्वेश्चन आपके सामने होंगे, कहीं ना कहीं उसके बारे में आप लोगों को पहले से जानकारी हो रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए सेक्शन बी, जो कि आप लोगों का राइटिंग स्किल्स होने वाला है। राइटिंग स्किल को आप लोग सबसे पहले कीजिए, क्योंकि इसमें आप लोगों को कोई भी अंदाजा नहीं है कि कौन से टॉपिक के ऊपर आप लोगों को लेटर लिखने दिया जाएगा, या फिर नोटिस लिखने दी जाएगी, या फिर वो इनफॉर्मल लेटर होने वाला है, या फिर फॉर्मल लेटर होने वाला है, ये चीज़ आप लोगों को पहले से पता नहीं है। तो इसी वजह से आप लोग सबसे पहले आप लोग जो स्टार्ट कीजिएगा वो राइटिंग सेक्शन से स्टार्ट कीजिएगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ राइटिंग सेक्शन आप लोग फिर रीडिंग सेक्शन में जाइए, क्योंकि रीडिंग सेक्शन में जो भी आप लोगों के पास क्वेश्चंस वहाँ पे दिए गए होंगे उनकी आंसर कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस में ही छिपी होती है। तो आप लोगों को जब वो आप लोग पैराग्राफ वगैरह जो भी चीज़ें हैं जब आप लोग पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उसके आंसर उसके अंदर ही छिपी होती है। तो दूसरा आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा वो आप लोगों का रीडिंग सेक्शन, और तीसरा आप लोगों को आना है वो है लिटरेचर पे। क्यों? क्योंकि लिटरेचर कहीं ना कहीं आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, तो उसके आंसर्स आप लोगों को कहीं ना कहीं पता होंगे। अगर आप लोगों को कम समय भी बाकी अगर बच रहा होगा लास्ट में, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसी वजह से सबसे पहले हम लोग सेक्शन बी करेंगे, उसके बाद सेक्शन ए करेंगे, उसके बाद हम लोग सेक्शन सी करेंगे। अब कई सारे बच्चे पूछ रहे होंगे कि भैया सेक्शन बी जो हम लोगों की आने वाली है इनमें क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। तो बेसिकली यार इसमें आप लोगों को नोटिस राइटिंग दिया जा सकता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशंस होती हैं, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन ऑफ जॉब जो है ये पूछे जाते हैं, और आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, ये चीज़ें आप लोगों से वहाँ पे पूछी जाती है। और जो पहला पेपर होता है, पहला जो सेक्शन होता है रीडिंग स्किल्स जो होती है, वहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पैसेज दी जाती है, और आप लोगों को एक फैक्चुअल पैसेज दी जाती है। तो पैसेज भी जो आज से यार 5-6 साल पहले जो आप लोगों को पैसेजेस होते थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते थे, जिसके आंसर्स आप लोग बहुत ही ज़्यादा इजीली कैटर कर पाते थे। लेकिन अब जो पिछले 3-4 साल से जो देखा जा रहा है यार, वो कहीं ना कहीं पैसेज में थोड़ी बहुत ट्विस्ट और टर्न वहाँ पे आप लोगों को दे दिया जाता है। तो इसके लिए आप लोग ये कर सकते हैं, अगर आपने पहले से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है फिर तो आप लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे कि जो बच्चे स्कूलिंग कर रहे होंगे, जैसे कि मैं तो फिलहाल जब मैं DAV में था मेरी 94% मार्क्स थे। क्यों? हम लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत पड़ी नहीं थी, क्योंकि हर महीने हर 15 दिन में हम लोगों का टेस्ट लिया जाता था, सेम चीज़ बार बार रिपीट करते 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 वो चीज़ें दिमाग में बैठ गई थी। लेकिन जो बच्चे खास करके स्कूलिंग वगैरह नहीं करते हैं, तो उन बच्चों की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम होती है। तो आप लोगों को अगर रीडिंग सेक्शन में अगर आप लोगों को दिक्कत आती है, तो आप लोग एक काम करिएगा, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को रीडिंग सेक्शन पर मिलते हैं, पहले तो आप लोग कई बच्चे क्या करते हैं पहले पैसेज पढ़ते हैं उसके बाद आंसर करते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप लोग पहले एक बार जितने सारे क्वेश्चन वहाँ पे दिए गए उन सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, वो पढ़ने के बाद फिर आप लोग पैसेज पढ़ो। जब आप लोग पैसेज पढ़ोगे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में होंगे, जब आप पैसेज पढ़ रहे होगे ना तो आपको हिट करेगा कि ठीक है ये क्वेश्चंस की ये आंसर हो सकती है, उसको अंडरलाइन करो। और उसके बाद जब आप लोग जब फाइनली एक बार क्वेश्चन को देख के जब आंसर करने जाओगे तो वो चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को एग्जामिनेशन पे हेल्प करेगी। हम लोगों ने एग्जामिनेशन 2017 में दिया था, आप 2023 में दे रहे हो, तो 5-6 साल पुरानी बात है। लेकिन तभी भी मेरे जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं कहूँगा 93.6 यानी कि 94% अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा परसेंटेज लेके आओ, ठीक है। और मेरी इंग्लिश टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, है ना, और जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स यार डिस्क्रिप्शन पे मैंने दे दिए, और आगे चल के फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, मैथमेटिक्स की सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के पास आने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। मैं कॉलेज रिव्यूज़ भी लेके आता हूँ, कॉलेज प्लेसमेंट स्टैट्स, रैंकिंग लिस्ट, सारी चीज़ें बनाता हूँ। तो आप लोग एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग निराश नहीं होंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बाय बाय।